नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सर नवभारती परिवार में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज से पहले की कक्षाओं में, आज से पहले जो हमने कक्षा ली उसमें हम वर्ण विचार पढ़ चुके हैं। जो सहायक चिन्ह है उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, अयोगवाह है, हलंत है, नुक्ता है, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। संधि हमने शुरू कर दी है, संधि क्या होती है हम ये भी देख चुके हैं। अब संधि में जो प्रकार है संधि के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उनमें सबसे पहले हमने स्वर संधि के बारे में जाना, स्वर संधि क्या होती है, और स्वर संधि के जो पांचों प्रकार है उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्वर संधि का पहला प्रकार दीर्घ संधि के बारे में पढ़ते हैं कि दीर्घ संधि क्या है, क्यों इसे दीर्घ कहा जाता है, कैसे इसमें संधि की जाती है, कैसे इसका विच्छेद किया जाता है, सारी चीजें आज हम सीखते हैं। चलिए देखते हैं, हम दीर्घ संधि को एक फैमिली मानकर पढ़ेंगे, ठीक है। हमने जो स्वर पढ़े थे, स्वरों की संख्या कितनी होती है, हमारे स्वर होते हैं 11, ठीक है। इन 11 स्वरों में से 4 स्वर तो हमारे लघु स्वर, मूल स्वर होते हैं, और 7 स्वर हमारे दीर्घ होते हैं, ठीक है। तो उन दीर्घ स्वरों में हमारे कौन कौन से, आ, बड़ी ई और बड़ा उ, ये जो 3 स्वर है हमारे, ये बड़े स्वर दीर्घ स्वर माने जाते हैं। और जब संधि कार्य होता है तो संधि कार्य होते समय हमारे पास ये दीर्घ स्वर ही आते हैं। आपको पता है संधि का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को ही क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। तो यहाँ पर जो विकार उत्पन्न हो रहा है वो विकार हमारे पास में ये जो 3 दीर्घ स्वर है इनके रूप में ही प्राप्त होगा। आई बात समझ में, हमारे पास जो परिवर्तन आ रहा है, हमारे पास जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं वो विकार आ दीर्घ स्वर, बड़ी दीर्घ स्वर और बड़ा उ दीर्घ स्वर, इन 3 स्वरों के रूप में ही प्राप्त होगा। अब मैंने आपको कहा कि आप इन्हें परिवार मान के कार्य कीजिए, कैसे, हमने 3 फैमिलीज मानी, कितनी फैमिली मानी, 3, अ की फैमिली, ई की फैमिली और उ की फैमिली। फैमिली कैसे, अ और आ, छोटी ई और बड़ी ई, छोटा उ और बड़ा उ, ठीक है। यदि इनका मेल इन्हीं के परिवार से अ आ ई ई या उ उ से होता है तो बराबर आ ई या उ दीर्घ स्वर प्राप्त होता है। 3 फैमिली हमने कौन कौन सी मानी, आ की फैमिली, बड़ी की फैमिली और बड़े उ की फैमिली, ठीक है। यही हमारे पास उत्तर, जो विकार आ रहा है हमारा वो विकार यही आएगा। ये दीर्घ संधि का नियम है, दीर्घ संधि का नियम ये कहता है कि दीर्घ यानी बड़ा, जब हमारे पास बड़ा स्वर आता है, और बड़ा स्वर कौन से होंगे, आ ई और उ, इन 3 स्वर में से कोई एक स्वर बड़ा होना चाहिए हमारे पास में, वही हमारी क्या होती है, दीर्घ संधि होती है, ठीक है। अब उदाहरण देखते हैं हम इसके, सबसे पहले हम देखते हैं अ प्लस अ, अ धन अ बराबर आ होता है, कैसे होता है वो देखते हैं। देखिए अस्ताचल, अस्ताचल जो शब्द है सबसे पहले आपको ये देखना है दीर्घ संधि है कैसे, आप कैसे पता लगाएंगे दीर्घ संधि है। आपको पता है संधि कार्य शब्दों के बीच में होता है, ठीक है, वर्णों के बीच में होता है। तो आप यहाँ जितने भी शब्द दिए हुए हैं इन सभी शब्दों में आपको ये दीर्घ स्वर दिख रहा है क्या, ये बताइए मुझे, अस्ताचल में या आ की मात्रा, अभ्यारण्य में आ की मात्रा, अधिकांश में आ की मात्रा, अपांग में आ की मात्रा, उदयाचल में आ की मात्रा, एकांत में आ की मात्रा, धर्माधर्म में आ की मात्रा, स्वाधीन में आ की मात्रा, हिमाचल में आ की मात्रा, रुद्राक्ष में आ की मात्रा, देशांतर में आ की मात्रा, हर शब्द में आपको आ की मात्रा यानी दीर्घ स्वर प्राप्त हो रहा है। तो जहां आपको ये दीर्घ स्वर प्राप्त हो रहा है वहीं से आपको इसे तोड़ना है। आपको पता लग गया ये दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर दिख रहा है आपको, अब यहीं से इसको तोड़िए। कैसे तोड़ेंगे, अस्ताचल, अस्त, धन, अचल, त का अ और अचल का अ दोनों मिलके दीर्घ स्वर आ हो गए, ठीक है। फिर अभ्यारण्य, अभय, धन, अरण्य, बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, अभ्यारण्य का संधि विच्छेद पूछा गया है, इसके टुकड़े पूछे गए हैं और विच्छेद कई बार इसके बच्चे गलत करके आते हैं। इसका सही विच्छेद अभय धन अरण्य होगा, अभय यानी बिना किसी डर के, अरण्य यानी जंगल, ऐसा जंगल, ऐसा वन जिसमें बिना किसी डर के जानवर विचरण करते हैं वो क्या कहलाता है, अभयारण्य कहलाता है, ठीक है। अधिकांश, अधिक, धन, अंश, अधिक क का अ और अंश का अ दोनों मिलके आ बन गए, अपांग,
अप धन अंग अपांग उदयाचल उदय धन आचल ठीक है अ अ प्लस बराबर आ एकांत एक धन अंत ठीक है आगे देखिए धर्मा धर्म धर्म धन अधर्म धर्म और अधर्म फिर स्वाधीन स्व धन अधीन ठीक है हिमाचल हिम धन अचल हिम धन अचल रुद्राक्ष रुद्र धन अक्ष फिर देशांतर देश धन अंतर यहाँ पर आपको जितने भी विच्छेद बताए गए हैं जितने भी संधि शब्द बताए गए इन सभी में आ की मात्रा है और आ की मात्रा को जब तोड़ा गया तो आपने कैसे तोड़ा उसको अ प्लस अ बराबर आ या आपके पास में ठीक है तो ये थी हमारी पहली फैमिली का पहला रूल ठीक है यानी अ या आ हो प्रथम पद में और द्वितीय पद में दोनों में अगर अस्वर है तो दोनों का मेल होने पर क्या मिलता है हमको दीर्घ स्वर आ प्राप्त होता है दूसरा देखते हैं हम दूसरी फैमिली क्या होती है आ प्लस आ या अ प्लस आ भी हो सकता है आ प्लस आ भी हो सकता है ठीक है कहने का तात्पर्य यहाँ पर बराबर हमारे पास क्या आएगा आ ही दीर्घ स्वर भी आएगा आगे देखते हैं अब हम उदाहरण देखते हैं अ प्लस आ बराबर आ का यानी पहले कौन सा थी अ प्लस अ बराबर आ अब अगर यहाँ पर आ जाए तो भी यहाँ पर क्या आएगा आ ही आएगा कैसे आएगा वही चीज आपको एक चीज ध्यान रखनी है मिड में बीच में किसकी मात्रा देखनी है आ की मात्रा देखनी है देखिए एकानंद में आ देवागमन में आ छात्रावास में आपको तीन जगह छ में भी है त्र में भी है व में भी है तो आप कैसे पता लगाएंगे आप शब्द के टुकड़े करके देखेंगे सार्थक टुकड़े हो रहे हैं तभी आप उनको आगे प्रक्रिया बढ़ाएंगे जैसे यहाँ पर अगर आप छ और आत्रावास करते हो तो वो गलत हो जाएगा छात्र धन आवास और छात्रा व धन आस तो आप खुद अपना दिमाग लगाना है थोड़ा सा इसको काम में लीजिएगा अपने आप हाँ समझ जाएंगे छात्रावास फिर जलाशय में या पंचायत में आ भ्रष्टाचार में आ यातायात में आ शरणागत में आ और रत्नाकर में आ और सत्याग्रह में आ हर शब्द में आपको आ की मात्रा दिख रही है अब इस आ की मात्रा के आगे आपको वही इनको तोड़ना है कैसे तोड़ेंगे एक धन आनंद यहाँ अ और यहाँ आ दोनों मिलके क्या हो गए आ फिर देवागमन देव धन आगमन ठीक है देवागमन छात्रावास छात्र धन आवास छात्रों के रहने का स्थान फिर जलाशय जल धन आशय ठीक है फिर पंचायत पंच धन आयत कहने का मतलब पहले वाले पद में अ है और दूसरे वाले पद में आ है और दोनों मिलके क्या दे रहे हैं हमको दीर्घ स्वर आ दे रहे हैं भ्रष्टाचार भ्रष्ट धन आचार आचार यानी व्यवहार यात धन आयात ठीक है फिर शरणागत शरण धन आगत शरण को आया हुआ ठीक है रत्नाकर रत्न धन आकर फिर सत्य धन आग्रह ये थी आपकी अ के परिवार के दूसरा नियम यानी अ प्लस आ होता है तो भी क्या होता है आ ही होता है अब हम देखते हैं कि अगर यहाँ आ हो और यहाँ अ हो तो भी बराबर आ ही होता है कैसे होता है देखिए तो नेक्स्ट आता है आ प्लस अ बराबर अ जैसे करुणामृत करुणामृत का अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो करुणामृत का संधि विच्छेद क्या होगा करुण धन अमृत करुण धन अमृत क्या ये सही है नहीं ये करुणा धन अमृत आएगा क्योंकि हमारा आ प्लस अ बराबर आ हो रहा है तो करुणा धन अमृत करुणामृत तथापि तथा धन अपि
तथापि, फिर देखिए दीक्षा धन अंत दीक्षांत, फिर देखिए निशा धन अंत निशांत, ठीक है। आगे है मुक्तावली, मुक्ता धन अवली, ठीक है। परीक्षा धन अर्थी परीक्षार्थी, फिर मायाधीन माया धन अधीन, ठीक है। पुरावशेष पुरा यानी प्राचीन धन अवशेष पुरा अवशेष। इस प्रकार से हमने तीन नियम देखे, अ प्लस अ बराबर आ, अ प्लस आ बराबर आ, फिर आ प्लस अ बराबर आ। अब हम देखेंगे आ प्लस आ बराबर आ कैसे होता है, देखते हैं। तो आ प्लस आ बराबर आ कैसे होता है, देखिए कारावास, ठीक है। कारावास कारा धन आवास, कारा यानी काला, काला आवास जो होता है उसे कारावास कहा जाता है। विद्यालय विद्या धन आलय, हिमालय हिम धन आलय, ये अ प्लस आ हो जाएगा बच्चों, ठीक है। महा धन आशय महाशय, दया धन आनंद दयानंद, ठीक है। महात्मा महा धन आत्मा, चिंता धन आतुर, फिर लीला धन आगार। ये हमारे दीर्घ संधि की पहली फैमिली, पहला परिवार पूरा हुआ। अ प्लस अ बराबर आ, आ प्लस अ बराबर आ, अ प्लस आ बराबर आ, और आ प्लस आ बराबर भी आ, दीर्घ स्वर हमारे पास ये आ ही आता है। अब हम देखते हैं बड़ी ई और बड़ा ऊ, दीर्घ स्वर हमें कैसे प्राप्त होता है, कैसे उसका संधि विच्छेद करते हैं और कैसे उसकी संधि करते हैं, आइए देखते हैं। तो दूसरी फैमिली के बारे में हम पता करते हैं, दूसरा परिवार जो है हमारा ई का, वो कैसे आया, ये बड़ी ई कैसे आई। वही चीज जहाँ आपने आ वाली फैमिली में, आ वाले परिवार में बीचों बीच शब्द के क्या देखा था, आ की मात्रा देखी थी, वैसे ही आपको यहाँ बड़ी ई की मात्रा देखनी है। प्रत्येक शब्द में आपको यहाँ बड़ी ई की मात्रा दिख रही होगी, देखिए यहाँ बड़ी की मात्रा, यहाँ बड़ी की मात्रा, यहाँ बड़ी की मात्रा, यहाँ बड़ी की मात्रा, फिर अभीप्सा में बड़ी की मात्रा, कपीश में बड़ी की मात्रा, परीक्षक में की मात्रा, प्रतीक्षा में एक ही मात्रा, फिर सचिंद्र में बड़ी की मात्रा, महेंद्र में बड़ी की मात्रा, लक्ष्मी इच्छा में भी बड़ी की मात्रा है। तो जहां आपको बड़ी मात्रा दिख जाए आ की ई की और ऊ की, वो हमारी दीर्घ संधि है। और उनके टुकड़े करने के लिए भी हमें यही करना पड़ेगा, उसको टुकड़े करने पड़ेंगे, तोड़ने पड़ेंगे। कैसे, अब यहाँ पर अभीष्ट है, अभी धन ईष्ट, छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या हो गई, यहाँ पर हमारी बड़ी ई हो गई। फिर देखिए अतीत, वही अति धन इत, छोटी ई और छोटी ई मिलके हमारी बड़ी ई हो गई। अधि धन इन, वही यहाँ की छोटी ई और यहाँ की छोटी ई दोनों मिलके बड़ी ई हो गई। रविंद्र रवि धन इंद्र, रवि का छोटा ई और इंद्र का छोटा ई दोनों मिलके बड़ी ई हो गए, ठीक है। छोटी ई और छोटी ई बराबर बड़ी ई, अब है हमारी छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, कैसे, अभीप्सा अभी धन ईप्सा, ईप्सा का बड़ी ई और अभी का छोटा ई दोनों मिलके बड़ी ई हो गए। कपीश कपी धन ईश कपीश, ठीक है, कपी का छोटा ई और ईश का बड़ा ई मिलकर क्या हो गई, बड़ी ई हो गई। परीक्षक परिधन ईक्षक, क्या हो गया, परीक्षक, यहाँ का बड़ा ई और यहाँ का छोटा ई दोनों मिलके बड़ा ई हो गया। प्रतीक्षा प्रतिधन ईक्षा, ठीक है। तो छोटी ई और बड़ी ई मिलके भी हमारी बड़ी ई ही होती है। आगे देखिए बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी, कैसे, सचिंद शची धन इंद्र, सचिंद्र
बड़ी और छोटी बराबर बड़ी, महिंद्र मही प्लस इंद्र क्या हो गया महिंद्र। फिर देखिए लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी धन इच्छा, तो बड़ी ई और छोटी ई मिलकर क्या हो गई हमारी बड़ी ई हो गई। इसके अलावा एक और आता है जिसमें बड़ी ई और बड़ी ई दोनों मिलते हैं और वो दोनों मिलकर के भी बड़ी ई ही होती है। कैसे देखिए, तो बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई कैसी होती है, जैसे नदीश, वही बड़ी की मात्रा देखी हमने, यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा देखी, यहाँ भी बड़ी की और यहाँ भी बड़ी। अब इनको जब तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, नदी धन ईश। अब नदी में भी बड़ी की मात्रा है और ईश में भी बड़ी की मात्रा है, तो ये वाली मात्रा और ये दोनों मिलके क्या हो गए हमारे पास, बड़ी ही हो गए। सतीश सती धन ईश, सती में भी बड़ी की मात्रा है और ईश में बड़ी है, तो ईश और सती दोनों मिलकर के क्या हो गए, बड़ी की हो गए। फिर रजनी धन ईश, रजनीश यहाँ पे भी बड़ी की और बड़ी का मेल हो रहा है, और मिलने पर हमें विकार आ रहा है हमारे पास, वो भी कौन सा आ रहा है, बड़ी की ही आ रहा है। श्रीश श्री धन ईश, यहाँ पर भी बड़ी ई और यहाँ पर भी बड़ी ई, दोनों ई मिलके क्या दे रहे हैं हमें, बड़ी ई का स्वर दे रहे हैं। तो ये हमारी दूसरी फैमिली पूरी हुई। अब हम देखेंगे ऊ की फैमिली, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब तीसरी फैमिली ऊ के बारे में जानते हैं, वही जहाँ हमें पहले वाले शब्दों में आ की मात्रा और बड़ी की मात्रा मिली थी, अब हमें वापस किसकी मात्रा मिलेगी, बड़े ऊ की मात्रा मिलेगी। ठीक है, तो देखिए सभी शब्दों में ऊ की मात्रा है, बड़ी ऊ की, ये देखो ऊ बड़ी ऊ बड़ी ऊ बड़ी ऊ, यहाँ पे बड़ा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ, यहाँ पे बड़ा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ, और ये बड़ा ऊ, प्रत्येक शब्द में बड़े ऊ की मात्रा है। ठीक है, अब कैसे आया, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ होता है, जैसे अनु धन उदित, अनुदित छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या हो गया, यहाँ बड़ा ऊ हो गया। ठीक है, मंजूषा मंजू धन उषा क्या हो गया, मंजूषा। फिर सु धन उक्ति क्या हो गया, सूक्ति, वही छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या हो गया, यहाँ बड़ा ऊ हो गया। कटुक्ति कटु धन उक्ति, वही छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या हो गया, यहाँ बड़ा ऊ हो गया। भानुदय भानु धन उदय, तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके यहाँ क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया। नेक्स्ट है छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ होता है, कैसे होता है, लघुर्मी लघु धन ऊर्मी लघुर्मी, मधुर्मी मधु धन ऊर्मी क्या हो गया, मधुर्मी। साधु धन ऊर्जा क्या हो गया, साधुर्जा। सुर्ध सु धन ऊर्ध क्या हो गया, सुर्ध। तो छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। फिर है बड़ा ऊ और बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। ठीक है, चमुत्साह चमु धन उत्साह चमुत्साह, भू धन ऊपरी भूपरी, वधु धन उक्ति वधुक्ति वधुत्सव वधु धन उत्सव, और वधु धन उल्लास वधुल्लास। ठीक है, ये थे हमारे ऊ के। अब बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ भी बड़ा ऊ ही होता है, कैसे होता है देखिए, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ, जैसे भूजा भू प्लस ऊर्जा, यहाँ भू का बड़ा ऊ और ऊर्जा का बड़ा ऊ दोनों मिलके बड़ा ऊ हो रहे हैं, क्या हो गया, भूजा। इसके अलावा वधूर्जा, जैसे वधू धन ऊर्जा वधु धन ऊर्जा, तो यहाँ पे भी बड़ाऊ और बड़ाऊ मिलके बड़ाऊ का स्वर दे रहे हैं। सरयू धन ऊर्मी सरयूर्मी, यहाँ पर भी बड़े ऊ का स्वर दे रहे हैं, अर्थात
दीर्घ संधि के अंदर हमारे पास जो शब्दों के मेल होने पर विकार उत्पन्न हो रहा है, वो विकार कौन सा है? इन बड़े स्वरों के रूप में ही वो विकार हमारे पास में आएगा, ठीक है। उसमें जो पहला पद और दूसरा पद है, पहले पद में इनमें से कोई सा भी स्वर हो या दूसरे पद में इनमें से कोई सा भी स्वर हो, लेकिन बराबर जो विकार उत्पन्न हो रहा है वो विकार हमारे पास बड़ा स्वर दीर्घ स्वर ही आएगा। तो ये थी हमारी दीर्घ संधि। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट संधि के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।